शिवपुरी में निजी स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, मामला आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति ना होने का। शासन के निर्देशों अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी स्कूलों में निर्धन, गरीब एवं पात्र 25% बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रवेश देना होता है। इसके तहत निजी स्कूलों को विगत वर्ष 2016-17 के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूलों को 17-18 तक प्रदाय नहीं की गई है। इसी को लेकर आज निजी स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल एसोसिएशन ने मांग की कि आगामी सत्रों में प्रतिपूर्ति नियमानुसार सत्र पूर्ण होने पर अप्रैल माह में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि आरटीई के तहत बच्चों के समस्त रिकॉर्ड शासन द्वारा ऑनलाइन प्रवेश कराकर स्वयं स्कूलों को उपलब्ध कराए जाते हैं, इसके बावजूद भी कई बार निरीक्षण करने पर आवश्यकता क्यों होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के आधार कार्ड लिंक होने के बाद भी नए नए नियम अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न कर शुल्क प्रतिपूर्ति में विलंब किया जा रहा है। स्कूल एसोसिएशन ने मांग की कि मध्य प्रदेश में आरटी शुल्क प्रतिपूर्ति अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाया जाए। बायोमेट्रिक प्रक्रिया सत्र 18-19 से प्रारंभ की जाए। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में स्कूल एसोसिएशन के सदस्य और स्कूल प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयुष गुप्ता गुप्ता जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन जो श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य शासन के मुख्यमंत्री के नाम दिया है, ताकि जो आरटी के बच्चे, राइट टू एडमिशन के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 25% शासन के आदेश द्वारा उनको प्रवेश दिया जाता है, उनकी फीस प्रतिपूर्ति में हर साल विलम्ब होता है। वर्तमान में 2 साल से अभी तक फीस प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। दूसरा हमारा निवेदन, अन्य राज्यों की तुलना में जो हमारे को शुल्क दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है। तो हमारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य शासन से निवेदन है कि इसको बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। सर, जो अभी स्कूल संचालकों ने आप ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला है उनका? ये मामला है कि आरटीई के तहत जो उनको फीस की प्रतिपूर्ति मिलती है वो शायद कम मिल रही है, तो हम उसको विधिवत डीओ को भेज के उसकी जांच कराएंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। शिवपुरी से संजय चिड़ार की रिपोर्ट।